बोल बम बोल बम बोल बम। सावन के महीने में देवघर के बाबा मंदिर सहित पूरे गली में आपको सिर्फ यही शब्द सुनाई देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर बोल बम कांवर या कांवर लाते वक्त क्यों बोलते हैं? इस शब्द का क्या महत्व है? माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ का यह शब्द बीज मंत्र है। यह शब्द का उपयोग करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आखिर ये शब्द क्यों बोला जाता है, जानते हैं देवघर के तीर्थ पुरोहित से। मूल रूप से जो है सो वैद्यनाथ का बीज मंत्र है। यो बोल बम कांवर यात्रा जो है सो बम का उच्चारण करना, कहीं जब भोले की जय बोला जाता है, कहीं हर हर महादेव बोला जाता है। यहाँ मिथिला के लोग ज़्यादातर बोलते हैं बम वैद्यनाथ। बम वैद्यनाथ क्यों बोलते हैं? बम जो है जैसे संग शनिश्चरायण महा, शनि का मंत्र बीज है संग है। जैसे केंग केतवे नमः, केतु का मंत्र बीज जो है सो केंग है। रांग राहवे नमः, राहु का मंत्र राह शब्द है। वैसे वैद्यनाथ का शब्द जो है बीज मंत्र जो है सो बम है। वम शब्द जो है सो वंग अमृतात्मकम निवेद्यम निवेदयामि, अमृते अमृत के रूप में इसको माना गया है। भीतर में जो भी दुर्गुण है, विषाद है, कष्ट है, ये सब दूर होते हैं, इसलिए वंग को अमृत के रूप में शास्त्र में माना गया है। और वैद्यनाथ का बीज रूप भी वंग शब्द है, इसलिए बोल बम उच्चारण करते हैं तो वैद्यनाथ का ही शॉर्ट नाम हुआ, उच्चारण उतने बार आप कर लेते हैं। और इसमें दो बातें हैं। देखिए प्रसंग आया है शिवपुराण में, शिवपुराण में आया है जब यक्ष राजा का यज्ञ महादेव के जो है गण वीरभद्र ने पूरा समाप्त कर दिया था, तो दक्ष उनके ससुर ही थे, नाम ही दक्ष है उनका, सभी कार्यों में दक्ष थे, लेकिन वहाँ अदक्षता उनके द्वारा की गई थी, जो महादेव के विषय में भला बुरा कहा गया था। तो सती ने वहाँ अपने शरीर की आहुति दी थी, उसके बाद तमाम शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। इसलिए शक्ति का जो शक्तिपीठ का आविर्भाव भी वहीं से हुआ है, उस यज्ञ से ही। और दक्ष राजा जो है सो उनका सिर काट दिया गया था, जो उन्होंने शिव की निंदा की थी, बोला जो तुम्हारा सिर ये निंदा सिर नहीं रह सकता है, उनका सिर काट दिया गया था। तो भगवान शिव ने, चूँकि वैद्यनाथ वैद्यों के हैं, वो सर्जन हैं सबसे बड़े संसार के, तो उन्होंने बकरे का सिर लगा दिया था। तो वो उनको जो ऐसा शिव पुराण में पूरी चर्चा है, तो उनको जो अब कुछ उनको शिव बोलना है, लेकिन बकरा क्या बोलेगा, बैम बैम बम बम, यही सब जो मुख में अंगुली देके जो बोला जाता है वही, उसमें शिव हंसने लगे थे दक्ष राजा ने जब बोला था। तो शिव प्रसन्न भी होते हैं बम शब्द से, प्रसन्न भी होते हैं, इसलिए प्रायः कांवर यात्रा में बम शब्द का उच्चारण किया जाता है।